हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे इस डिज़ाइन के बारे में। फ्रेंड्स, हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, ये हमारे पास एक लेटेस्ट डिज़ाइन है, 26 फीट बाई 70 फीट में बना, वास्तु के अकॉर्डिंग वेस्ट फेसिंग का एक शानदार मॉडल है। इसी के 3D प्लान के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। आप देखेंगे हमारे पास जो इसका एलिवेशन है, बहुत ही शानदार डिज़ाइन है, एकदम लेटेस्ट मॉडल है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से ये हमारा डिज़ाइन रहने वाला है। और इस डिज़ाइन में फ्रेंड्स, यदि हम इसके फिनिशिंग की बात करें तो हमारे पास इसमें टाइल वर्क इसमें हमने किया हुआ है, हमारे पास इसमें पेंट फिनिश है, साथ में हमारे पास इसमें टेक्सचर पेंट का भी हमने इसमें यूज किया हुआ है। तो ये हमारे पास अपना एलिवेशन डिज़ाइन रहेगा फ्रेंड्स, और ये रहने वाला है हमारे पास का 3D में मॉडल। ये हमारे पास अपना 3D में मॉडल हुआ, आप इसको देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारे पास ये डिज़ाइन है। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास जो प्लॉट है, हमारे पास 26 फिट बाई 70 फिट का ये हमारे पास प्लॉट है, जिसके फ्रंट साइड में रोड रहेगा, इसका जो लेफ्ट साइड है लेफ्ट साइड में ये बंद रहेगा, इसका जो राइट साइड है राइट साइड में भी बंद है, और इसका जो बैक साइड है बैक साइड में भी ये पूरी तरीके से बंद है। मीन्स कि 3 साइड क्लोज ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर ये हमारे पास अपना 3D में हमारा ये डिज़ाइन रहेगा, जिसमें फ्रेंड्स हमारी जो डिज़ाइनिंग की हुई है इसके फ्रंट में हमारे पास इसमें आप देखेंगे कि 15 फिट वाइड का ये हमारे पास अपना एक लॉन एरिया हमारा रहने वाला है। यहाँ पर हमारे पास एक लॉन एरिया रहेगा और साथ में हमारे पास एक पार्किंग एरिया भी रहने वाला है। तो ये हमारे पास अपना 15 फिट वाइड का ये हमारे पास अपना लॉन एरिया, साथ में हमारा पार्किंग एरिया भी रहेगा। बैक साइड में आप देखेंगे फ्रेंड्स, ये हमारे पास बैक साइड में 6 फिट वाइड का हमारे पास ये मार्जिन छोड़ा हुआ है, ये हमारे पास अपना बैक साइड में 6 फिट रहेगा। और ये हमारे पास जो बैक साइड की बालकनी होगी, ये हमारे पास 3 फिट वाइड की बैक साइड में हमारी बालकनी रहने वाली है। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा कवरेज रहेगा। तो ये हमारे पास जो इसका टोटल कवरेज है, हमारे पास 49 फिट का ये हमारा टोटल कवरेज है। मीन्स कि 26 फिट बाई 49 फिट में ये हमारा 3D मॉडल है। तो ये हमारे पास अपना फ्रेंड्स एलिवेशन डिज़ाइन है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, आप इसको अच्छे से विजुलाइज भी कर सकते हैं। ये हमारा कुछ इस तरीके से ये हमारा ममटी का डिज़ाइन रहने वाला है, आप इसको देखेंगे। तो अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स अपने इस डिज़ाइन के 3D प्लान के बारे में। ये हमारे पास अपना 3D में प्लान है। तो इसमें हमारे घर की सबसे पहले मेन एंट्री से चलेंगे, ये हमारे घर का मेन गेट होगा, और इस मेन गेट से जैसे ही इसमें एंटर करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगी पार्किंग। ये हमारे पास अपनी पार्किंग होगी, जिसमें हम अपनी कोई भी कार वगैरह यहाँ पे बहुत आसानी से हम यहाँ पे पार्क करा सकते हैं। पार्किंग से जैसे ही इसमें आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर मिलने वाला है एक छोटा सा बरामदे का डिज़ाइन, ये हमारे पास अपने एक बरामदा रहेगा। और बरामदे से जैसे ही इसमें आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर मिलने वाला है ड्राइंग हॉल का डिज़ाइन, ये हमारे पास अपना ड्राइंग हॉल का हमारा डिज़ाइन रहेगा, जो कि एक बड़े साइज का ये फ्रेंड्स हमारा ड्राइंग हॉल का हमारा डिज़ाइन है, जिसमें हमारे पास यहाँ पे मल्टी सिटिंग में हमारे पास ये सोफाज रहेंगे। और ये हमारे पास रहने वाला है यहाँ पर एक बड़े साइज का विंडो का डिज़ाइन। तो इस विंडो से ही हमारे अपने इस ड्राइंग हॉल का बहुत ही अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा। ये हमारे पास अपना ड्राइंग हॉल का ये फ्रेंड्स हमारा डिज़ाइन रहने वाला है। इसमें फ्रेंड्स और आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर मिलने वाला है मंदिर का डिज़ाइन, ये हमारे पास अपना मंदिर होगा, जो कि हमारे पास आप देखेंगे ये हमारे पास ईस्ट डायरेक्शन में ये हमारे पास अपना मंदिर का डिज़ाइन है, यहाँ पर हमारा मंदिर रहेगा। और ये फ्रेंड्स हमारे पास अपना स्टेयर्स को अप कराया हुआ है, यहाँ से जाएंगे हम अपने फर्स्ट फ्लोर पर, ये हमारे पास अपना स्टेयर्स का ये हमारा डिज़ाइन रहने वाला है, यहाँ पर हमारे पास स्टेयर्स रहेगा। ये फ्रेंड्स हमारे पास अपना बेडरूम डिज़ाइन रहेगा, जो कि हमारे पास फ्रंट में हमारा बेडरूम होगा, ये हमारे पास अपना बेडरूम डिज़ाइन है, आप इसको देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा बेडरूम डिज़ाइन रहेगा। बेडरूम में आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर एक विंडो मिलेगा, तो इस विंडो से हमारे अपने इस बेडरूम का भी अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा। बेडरूम के फ्रंट में भी फ्रेंड्स हमें यहाँ पर एक डोर मिलेगा, तो इस डोर से भी हम डायरेक्ट अपने बेडरूम में आ सकते हैं। ये हमारे पास अपना एक लॉन एरिया है, और लॉन एरिया के थ्रू भी हम अपने इस डोर के थ्रू अपने इस बेडरूम में एंट्री कर सकते हैं। ये हमारे पास अपना बेडरूम का डिज़ाइन है। बेडरूम के साथ फ्रेंड्स हमारी जो कनेक्टिविटी है वो हमारे पास अपने टॉयलेट की और ड्रेस एरिया की रहेगी, ये हमारे पास अपना टॉयलेट और ड्रेस हमारा इसमें कंबाइंड ही हमारा रहने वाला है। तो ये हमारे पास अपना टॉयलेट अटैच होगा, जो कि हमारे पास इस वाले बेडरूम से हमारा अटैच रहने वाला है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पास एक कॉमन टॉयलेट प्लस बाथरूम का डिज़ाइन रहेगा, ये हमारा कॉमन रहेगा, और इसे टॉयलेट को फैमिली का कोई भी मेम्बर इसे यूज कर सकता है। टॉयलेट के बैक साइड में हमें एक डक्ट मिलने वाली है, जिससे हमारे दोनों टॉयलेट का प्रॉपर वेंटिलेशन हमारा होता रहेगा। तो ये हमारे पास अपना एक डक्ट रहेगा, जिससे हमारे दोनों टॉयलेट का वेंटिलेशन हमारा इसी डक्ट्स के थ्रू होता रहेगा। ये हमारे पास अपना स्टेयर्स का डिज़ाइन रहेगा फ्रेंड्स, यहाँ से जाएंगे हम अपने फर्स्ट फ्लोर पर, ये हमारे पास अपना स्टेयर्स रहेगा। और यहाँ पर हमारे पास साउथ ईस्ट में हमें मिलने वाला है किचन का डिज़ाइन, ये हमारे पास अपना साउथ ईस्ट में ये फ्रेंड्स हमारा किचन रहेगा। किचन में आप देखेंगे कि हमें एल शेप में किचन का प्लेटफॉर्म होगा, हमारे पास जो किचन है पूरा ही ओपन रहने वाला है। किचन के साथ ये हमारे पास अपना डाइनिंग टेबल का भी डिज़ाइन रहेगा, और इसमें आप देखेंगे
ये किचन के बैक साइड में हमें दो विंडो मिलेंगी बड़े साइज की, और यहाँ पर हमें मिलने वाला है स्लाइडिंग डोर का डिज़ाइन। ये हमारे पास अपना स्लाइडिंग डोर रहेगा और इस डोर के थ्रू हम अपने बैक साइड में आ सकते हैं। ये हमारे पास अपना बैक साइड का जो हमारा यूटिलिटी एरिया है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से रहने वाला है, और इस एरिया में हम अपने इस डोर के थ्रू बैक साइड में आ सकते हैं। तो ये हमारे पास अपना डाइनिंग एरिया है जिसमें हमारा 8 सीटर हमारा डाइनिंग टेबल का डिज़ाइन है, और यहाँ पर हमारे पास ये एल शेप में हमारी ये सोफ़ा की सिटिंग है। तो ये हमारा जो 3D में प्लान है, इसके बैक साइड में ये हमारा किचन है। किचन के साथ हमारा लिविंग और डाइनिंग दोनों को हमने इसमें कंबाइंड ही हमने इसमें रखा हुआ है। ये फ्रेंड्स हमारा जो किचन है, किचन के साथ हमारा एक यूटिलिटी एरिया भी हमने ऐड किया हुआ है। ये हमारे पास अपना एक यूटिलिटी एरिया है, और ये हमारे पास अपना यहाँ पर अपना मंदिर का डिज़ाइन रहेगा। ये हमारा मंदिर है, आप इसको देख सकते हैं। ये हमारा कुछ इस तरीके से हमारा मंदिर रहेगा नॉर्थ डायरेक्शन में। ये फ्रेंड्स हमारा मंदिर का डिज़ाइन है। तो ये हमारे पास अपने ग्राउंड फ्लोर का 3D में प्लान है, जो कि फ्रेंड्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये हमारे पास अपने ग्राउंड फ्लोर 3D प्लान है। अब हम बात करेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर के बारे में। ये फ्रेंड्स हमारे पास अपने फर्स्ट फ्लोर 3D प्लान है। तो फर्स्ट फ्लोर पे आप देखेंगे कि ये हमारे पास अपना स्टेयर्स रहेंगे, और स्टेयर्स के थ्रू जैसे ही हम अपने फर्स्ट फ्लोर में आएंगे तो हमारी जो एंट्री रहेगी वो हमारी इस लॉबी के अंदर रहने वाली है। ये हमारे पास अपने फर्स्ट फ्लोर में एक फैमिली लॉबी बोल सकते हैं, या फिर फैमिली लॉन्च का भी डिज़ाइन बोल सकते हैं। ये हमारे पास अपने फर्स्ट फ्लोर में यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पास एक कटआउट रहेगा जो कि हमारे पास फर्स्ट फ्लोर में, यहाँ पर हमारा ये जो हमारी छत होगी, जो हमारी रूफ होगी, यहाँ से हमारी कटी हुई रहेगी। तो यहाँ पर हमने ये इसको डुप्लेक्स हमने इसको डिज़ाइन दिया हुआ है, मीन्स कि यहाँ से खड़े हो गए हम नीचे की तरफ भी हम यहाँ पे झांक सकते हैं, जो कि अपने घर के इनसाइड व्यू को हम अच्छे से देख पाएंगे। तो ये हमारे पास अपना डुप्लेक्स फ्रेंड्स, ये हमारा डिज़ाइन है। यहाँ पर हमारा कटआउट है। ये फ्रेंड्स हमारे पास अपना बेडरूम डिज़ाइन है। यहाँ पर हमारा बेडरूम है, आप इसमें देखेंगे कि बेडरूम में जो डिज़ाइन है इसमें ये हमारे पास एक विंडो का डिज़ाइन रहेगा। तो इस विंडो से ही हमारे अपने इस बेडरूम का अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा। ये हमारे पास अपना बेडरूम का मॉडल डिज़ाइन रहने वाला है। बेडरूम के साथ हमारा एक अटैच टॉयलेट भी रहेगा। ये हमारा अटैच टॉयलेट है जो कि बेडरूम के साथ में रहेगा। ये जो टॉयलेट है इसमें हमारे पास ये ड्रेस एरिया, साथ में हमारा टॉयलेट सीट, बाथिंग एरिया, सब कुछ इसके अंदर हमारा कंबाइंड ही रहने वाला है। और टॉयलेट के बैक साइड में हमें एक छोटी सी डक्ट भी मिलेगी जिससे हमारे अपने इस टॉयलेट का अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पास ये स्टडी रूम का डिज़ाइन रहने वाला है। ये हमारे पास अपना एक छोटा सा स्टडी रूम का डिज़ाइन रहेगा, जो कि हमारे पास ये बैक साइड में, मीन्स कि नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में हमें यहाँ पर ये स्टडी रूम का डिज़ाइन मिलने वाला है। और ये फ्रेंड्स हमारे पास अपने बैक साइड में हमारी 3 फीट वाइड की बालकनी का डिज़ाइन रहने वाला है। यहाँ पर हमारे पास ये 3 फीट वाइड की हमारी ये बालकनी रहेगी। और फ्रेंड्स इसमें आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर एक बेडरूम का डिज़ाइन मिलेगा। ये हमारे पास अपना एक बेडरूम होगा, ये हमारा बेडरूम है। और इस बेडरूम में भी आप देखेंगे कि जो हमारी डिज़ाइनिंग है, जो हमारा फर्नीचर है, एक बड़े साइज के अकॉर्डिंग ये हमारा फर्नीचर का डिज़ाइन है। इसमें हमें यहाँ पर एक विंडो का डिज़ाइन मिल रहा है, तो इस विंडो से हमारे अपने इस रूम का अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा। और ये जो हमारा बेडरूम है इसमें हमारे पास एक डोर रहेगा, और इस डोर के थ्रू हम अपने फ्रंट में जो हमारी बड़ी बालकनी है, ये जो हमारा बरामदे का डिज़ाइन है, इस बरामदे में हम अपने इस डोर के थ्रू आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक बड़े साइज का, ये हमारे पास अपना बरामदे का हमारा डिज़ाइन रहने वाला है। ये फ्रेंड्स हमारी जो बालकनी है, ये हमारे पास अपनी 5 फीट वाइड की हमारी फुली विड्थ में ये हमारी बालकनी है, और ये हमारे पास अपना बरामदे को हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पास एक और बेडरूम बनाया रहेगा। ये हमारे पास अपना एक और बेडरूम होगा, और इस बेडरूम में अभी आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर एक विंडो मिलेगा, और ये हमें यहाँ पर एक डोर मिलेगा। तो ये जो हमारा डोर होगा, इस डोर से हम अपने फ्रंट में जो हमारी बालकनी है, इस बालकनी में आ सकते हैं। और ये हमारा जो विंडो होगा, इस विंडो से हमारा अपने इस बेडरूम का अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा। ये जो हमारा बेडरूम है, बेडरूम के साथ हमारा एक अटैच टॉयलेट भी है। ये हमारा अटैच टॉयलेट रहने वाला है, जिसमें हमारे पास बाथिंग एरिया और टॉयलेट सीट दोनों को इसके अंदर हमने कंबाइंड ही रखा हुआ है। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास अपना 3D में प्लान है, जो कि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें हमारे पास 3 बेडरूम हैं, 3 ही हमारे पास ये टॉयलेट हैं। एक ये हमारे पास जो बेडरूम है, इसके साथ हमारा अटैच टॉयलेट है। यहाँ पर भी ये फ्रेंड्स हमारे पास एक कॉमन टॉयलेट है, और ये हमारा अटैच टॉयलेट है, जो कि हमारे इस वाले बेडरूम के साथ में अटैच रहेगा। तो फर्स्ट फ्लोर में ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हमारी प्लानिंग की हुई है, और ये हमारे पास अपना फ्रंट में हमारा एक बड़े साइज का हमारा ये बरामदा है। तो ये हमारे पास अपना फर्स्ट फ्लोर 3D प्लान है। ये हमारे पास अपने ग्राउंड फ्लोर 3D प्लान है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और ये हमारे पास अपना एलिवेशन डिज़ाइन है, जो कि बहुत ही शानदार हमारा एलिवेशन है। ये आप इसको देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से हमने इसमें डिज़ाइनिंग की हुई है। तो ये फ्रेंड्स हमारा जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन आपको ये कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स फिलहाल की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि अपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है
तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्राणी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।